गाइज गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो आज का व्लॉग भी ऐसी खास है। तो आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये दीदी बर्तन धो रहे हैं, सुबह सुबह हम काम कर रहे हैं अभी 9 बजे, तो बर्तन धोएंगे। तो दीदी बोल रहे कि आज हम स्पेशल बनाएंगे कुछ। तो दीदी का खाने का मन कर रहा है और मौसम भी देखो कितना ख़राब है, कुछ नया खाने का मन कर रहा है। और दीदी भी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो इन्होंने बोला कि सिड्डू खाने हैं। तो हम सिड्डू बनाने वाले हैं। तो कैसे सिड्डू बनाएंगे तो देखना। तो अगर आप सब ने बनाए हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी आप ब्लॉग देखें, फिर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो अभी मम्मी अखरोट तोड़ रहे हैं, तो मम्मी के पास चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉग। तो गाइस जिस सिड्डू बनाने के लिए हमारे पास ये अखरोट है, तो हमें अखरोट का जो मसाला है वो बनाएंगे। अखरोट का बहुत टेस्टी होता है। और ये मम्मी तोड़ रहे हैं, हम इतने मम्मी ने तोड़ दिए, देख सकते हैं आप, अखरोट है तोड़ दिए। और मम्मी ठीक ठाक, कैसी आपकी तबीयत आज? तो आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है। तो कल जो परसों हमने मैंने ब्लॉग डाला था उसमें दवाई लाई थी, उससे थोड़ा ठीक हो गए थे। थोड़े अभी बीमार है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो सिड्डू बनाने हमारे को नहीं आते, तो मम्मी को आते, तभी मम्मी तोड़ रहे हैं, इस हालत में बीमार है थोड़ी। हमने पूरा सेटअप कर लिया, जो जो हमारा सामान लगता है मसाला बनाने के लिए हमने ला दिया। तो ये अखरोट है, तो मैंने प्याज काटा, थोड़ा इसमें पानी डालूंगा और ये मसाले जो इसमें पड़ेंगे। तो मैं अभी बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो दीदी पकड़ने वाले कैमरा, दीदी यस पकड़ना, एंड हो गया। अब इसमें अखरोट डालने वाले, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो देख सकते हो वाह कितना अच्छा बना है। तो इसको मैं पहले नीचे अलग कर लेता हूँ इसे। तो गाइस हमने पानी बॉईल कर दिया है, स्टीमर हमने लगा दिया, सिड्डू स्टीमर। तो ये हमने मसाला बनाया, जो मैंने आपको बताया था अभी, मसाला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बताना तो कैसा है, खाओ तो थोड़ा सा, मैंने बहुत टेस्टी बनाया, मैंने चेक किया इसको, टेस्टी है। तो अभी हम मम्मी को बुलाएंगे, तो मम्मी बनाएंगे खुद जैसे बनाएंगे, तो मैं बताऊँगा कैसे कैसे बनाएंगे। तो हमारा VIP चूल्हा आप देख सकते हैं, ठंड का मौसम होता है हमारे पहाड़ों पे। तो यह हमारी रसोई है। तो ये हमने आटा गूंथा था कल शाम का, तो ये अभी अच्छे से हो गया। दीदी देखना तो, हाथ लगाना तो इसमें, वो क्या बोलते हैं, हाँ हो गया है। तो देखो कैसे बना रहे हैं, चपाती की तरह पहले बनाया, उसके बाद ये मसाला इसमें अच्छे से लगा दिया है। सुबह से हम लगे हैं, अभी तो 12 बज गया है, तो 9 बजे से हम सिड्डू बनाने लगे, तो अभी तक नहीं बन रहे हैं। पहले सिड्डू नहीं है, ऐसे नीचे लगा दिया एक, आप देख सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा। 9 बजे से लगे है, पौन सोने जाना बार-बार तब बन थे जल्दी, और मेरे को उठा लेना बार-बार। थोड़ी मम्मी की तबीयत भी खराब है, फिर भी बना रहे हैं, ज्यादा भी नहीं, अब ठीक हो गया। हां जब मैं परे जाऊंगी वहां भी उठा लेना मेरे को। उल्टी बातें निकलती है बस, आगे और कुछ नहीं इनको काम। देखो कैसे सिड्डू बना रहे हैं, सिड्डू सिखाओ ना आप, उल्टी बातें मत करो। ये बन गया है प्यारा सा सिड्डू, तो ये लग गया है स्टेम्बर में। पापा तो पापा ये छोटे भाई कल आया है, कल शाम को आया था घर। तो ये दूसरा सिड्डू बन रहा है, बताओ मम्मी कैसे कैसे बनाते ना, कैसे और कैसे बनाते, क्या इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है? तो कैसे भाई, फिर भी जिसको बनाने आए वो सीख जाए, कौन है जो सीख नहीं जाता है। तो नीचे के बंदे नहीं जाते हैं, जैसे हम जैसे सिड्डू। जिसने सिड्डू खाने तो अब मेरे जो क्या बोलते हैं कमेंट में करे कि मैंने सिड्डू खाने, उसके लिए भेज दूंगा पैक करके। झूठ बोलते हैं? नहीं सच में भेजूंगा मैं, ये तो तुम कर सकते अपने सब्सक्राइबर के लिए। ये लगा दिए इसमें मसाला, बढ़िया सा अखरोट का मसाला था जो मैंने आपको बताया था पहले। दीदी बोलो क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोला। देखो गाइस शर्मा रहे कैमरे के सामने, कुछ बोलो क्यों, यहाँ तो कोई आया बड़े पानी हो लगे।
ये हमारे सिंटू बिल्कुल तैयार होके पक चुके हैं। अब हम खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। जो अखरोट के होंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हम चटनी बनाने वाले हैं अखरोट, टमाटर और ये प्याज और मिर्च। तो बना लेते जल्दी जल्दी, मम्मी गाली दे रहे कि वीडियो बनाते रहते हैं। तो बना ये सिड्डू बिल्कुल ओके हो गए, तैयार हो गए। तो ये चटनी, ये वाली चटनी, घी और सिड्डू, तो खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दीदी आपने खा लिया? नहीं। मम्मी कैसे बने हैं? राजू कैसे बने? तो खाने के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट होगी, मैं भी चेक करूंगा अभी। पता कैसी बनी है? एकदम मस्त, जबरदस्त। जबरदस्त। तो बाकी खा लेते हैं और पापा को पूछते पहले। खाओ खाओ, चेक करो जरा कैसे बने। सिक सिक का तो पापा को पूछेंगे हम कैसे बने हैं। पहले आप खाएंगे घी के साथ? हाँ, चटनी के साथ खाओ पहले। जल्दी जल्दी खाओ ना, चटनी के साथ कैसे है? ठीक है, लगभग ठीक ही है। अब घी के साथ खाओ। घी के साथ कैसे है? तो चटनी के साथ मजा आ रहा है, चाटली का मजा कुछ और है। तो बाकी मैं खुद चेक करके बताता हूँ। तो मेरे लिए अभी निकाल रहे हैं उन्होंने खुद खाने। दीदी कैसे है? मस्त है ना? वाओ, अच्छा बने आप एकदम। चटनी के साथ मजा। अब मैं घी के साथ देखता हूँ। घी के साथ तो बहुत बढ़िया है, पापा ने खाया था। जो इनको क्या पता, जो गाय के बारे में कोई जानता ही नहीं कुछ भी। तो बाकी खा लेते हैं। अब फिर लगेगा स्वाद का पता भी कैसा है घी खाने। तो बाकी मिलते हैं आपसे। इनको चाहे डालडा दे तो घी डालडा क्या पता लगा। हाँ जी। तो शाम के 5 बज रहे हैं गाइस। तो मैं इस टाइम लैंडर पे घूमने आया हूँ, आप देख सकते हैं। और बारिश भी वैसी हो रही थी जैसी सुबह हो रही है, बहुत ही तकड़े वाली बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं थोड़ा घूमने भी जा रहा था, दीदी और मैं और मेरा भाई बाइक पे ऐसे घूमने जा रहे थे कहीं, तो हम उस वजह से नहीं गए। तो हम जैसे हमने सीडू खाए उसके बाद हम सो पड़े और सीधे नींद आ गई हमारे को, तो पता सता नहीं है। तो मैं अभी 4 बजे उठा और 5 बजे अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ब्लॉग ख़त्म करना है मैंने। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपको इसी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइज़।